अपने YouTube चैनल लाइफ स्किल पे दीजिए। दोस्तों आज मैं जो है आपके सामने जिस टॉपिक के साथ आई हूँ वो है टमाटर। आप देख सकती हैं ये मेरे टमाटर जो है पककर तैयार हो गए हैं। मैं इनकी हार्वेस्टिंग करने जा रही थी, मैंने सोचा हार्वेस्टिंग का वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। तो दोस्तों चलिए देर न करते हुए करते हैं अपने टमाटर की हार्वेस्टिंग। ये देखिए दोस्तों, जरूरत के हिसाब से मैं अपने जो है अभी जब से पकने लगे टमाटर मैं जो है उनकी हार्वेस्टिंग करती रहती हूँ। लेकिन आज जो है ये कुछ ज्यादा ही टमाटो पक गया है। देखिए ये गुच्छों में टमाटो मेरे फरे हुए हैं, ये देखिए। तो जो है मैंने कहा इनकी हार्वेस्टिंग जो है मैं कर लेती हूँ और आप लोगों के साथ जो है उन्हें बांटती हूँ। आप देख सकते हैं कि सारे गुच्छों में मेरे टमाटो पक कर तैयार हो गए हैं। मैं इनकी समय समय पर जो है जरूरत के हिसाब से मैं इनको अब जो है लेती रहती हूँ। ये देखिए ये गुच्छे में है, ये हल्का पीला है लेकिन इसे 2 से 3 दिन रख देंगे तो ये पक जाएगा। ये देखिए मेरा ये जो है इसमें इस जो है पॉट में मेरे जो है 3 प्लांट लगे हुए हैं। आज मैं इनकी पूरी तरह से कर लेती हूँ हार्वेस्टिंग जो है। करते हैं हम जो है सभी प्लांट से मैं अपने जो है टोमेटो की कर लेती हूँ हार्वेस्टिंग। ये आप देखिए जो है हम अपने जो है पॉट में उगाई गई सब्जियों को फिर हार्वेस्टिंग करते हैं और फिर उसका अपना इस्तेमाल अपने जो है खाना बनाने में करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। उनका इस्तेमाल अपने किचन में करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्त जानते हैं दोस्तों ये बहुत ही स्वादिष्ट टमाटर जो है हमारे तैयार हुए हैं क्योंकि इसके पकने का सीजन है। देखिए ये हो गए तैयार। तो पहले मैं जो हार्वेस्ट कर चुकी हूँ इससे काफी मैंने जो है टमाटर को हार्वेस्ट कर चुका है लेकिन अब ये इस बार इकट्ठे पक गए हैं तो मैंने कहा इसके वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कितने अच्छे टमाटर इकट्ठे निकले हुए हैं मेरे। देखिए दोस्तों ये मेरे नीचे रखा हुआ पॉट है एक, उसमें भी कितने अच्छे टमाटर तैयार हो गए हैं। इसकी जो है इनका हम जो है अलग से तो जो है इनको करते रहते थे लेकिन जो है दो दो चार चार अपनी जरूरत के हिसाब से हार्वेस्टिंग आठ ये पूरे पक के तैयार हो गए हैं इसलिए मैंने कहा ये हार्वेस्टिंग का वीडियो जरूर मैं आपके साथ शेयर करूँ। इनको हम काट देंगे और इसको हम फिर से फर्टिलाइज कर देंगे। देखिए इतना ज़्यादा टमाटो इसमें जो है इस ब्रांच में आ गए थे कि ये ब्रांच पूरी जो है झुक कर यहाँ से टूट गई थी। मैंने इसकी कटिंग कर दी है और ये देखिए इसमें फिर से ये बड्स बन रही हैं, इसमें फिर से टमाटर जो है हमारे एक बार फिर से फ्रूटिंग होगी। लेकिन मैं जो है इसको जो है फर्टिलाइज कर दे दूँगी। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाय बाय।